हेलो अनुपमा जोशी जी, ये तो पता कर लीजिए कि एक्चुअली में उस दिन आद्या के साथ क्या हुआ था कि आद्या तुम्हें मम्मी बोलने वाली, वापस तुमसे प्यार के रिश्ते में जुड़ने वाली, तुम्हारे और अपने पॉप्स यानी अनुज की शादी करवाने वाली ऐसी आद्या वापस तुम्हें छोड़कर क्यों चले गई, ये तो सोचो। ये नहीं कि डिम्पी की मौत हुई थी तो डिम्पी के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें आद्या का नाम लिया गया था इसलिए नहीं गई थी, वो इसलिए नहीं गई थी क्योंकि यदि वो इसलिए जाती तो बात कुछ और ही होती, या यूं कहें कि वो वापस आ जाती जब उसे पता चलता कि उसकी माँ ने उसका सपोर्ट किया। बल्कि तुमने जो भी चीज़ें की है ना उससे बहुत सारा गलत मैसेज किया। मैं ये नहीं बोलता है कि तुमने कभी भी अनुपमा आद्या का साथ नहीं दिया, तुमने दिया लेकिन ऐसे मौके पर नहीं दिया जब उसे साथ की जरूरत थी। तुम वहां पुलिस वालों के साथ लड़ रही थी, कन्फ्यूजन दूर कर रही थी, बोल रही थी कि यदि गलत हुआ तो खुद लेके आऊंगी, लेकिन इन बातों का भी आद्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता। एक बार शायद अनुपमा अपने आप को रिवाइंड करके देखो, पास्ट में जाकर एक बार अपने आप की बोली हुई बातों को सुनने के बारे में सोचो, तुम समझने की कोशिश करो कि उस दिन हालात क्या हुए थे, क्योंकि जब तक एक बच्चे के दिल को नहीं पढ़ पाओगे तो एक सक्सेसफुल पेरेंट कैसे बन पाओगे। अरे यही बात है आजकल के जनरेशन की जो हमारे बीच में और हमारे बच्चों के बीच में आती है। बेशक ही हमारे बच्चे, मतलब मेरे बच्चे नहीं भाई, मतलब हमारे पापा ऐसे लोगों की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल कोशिश करें तो भाई अनुपमा को यह बात पता होना चाहिए कि आद्या गलतफहमी की वजह से नहीं गई है बल्कि आद्या का दिल टूटा है अनुपमा के उन बातों से। आद्या अनुपमा के ऊपर आंख मूंद कर यकीन करती थी कि कम से कम मेरी माँ तो मुझ पर यकीन करेगी, लेकिन जब आद्या को ऐसे लगने लगा कि अनुपमा भी आद्या को पुलिस के हवाले करना चाहती है, हालांकि आद्या को गलतफहमी हुई थी लेकिन आद्या को सच नहीं पता, लेकिन गलतफहमी पैदा करने के पीछे अनुपमा का भी तो हाथ है। यदि अनुपमा उस दिन आद्या को कमरे में ना छोड़ती और डायरेक्ट लेकर आती और सामने ही ये सारी बातें करती, चलिए उस वक्त में आद्या सो भी रही होगी, लेकिन यदि ये सारी बातें किंजल विंजल सभी लोग जाके यदि आद्या को बता चुके होते और कोई भी उसके साथ रह रहा होता, यदि उसे अकेला ना छोड़ते तो शायद बात कुछ और होती। लेकिन अभी हम पास्ट को बदल तो नहीं सकते हैं, हम इंटरस्टेलर में जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है कि भाई आद्या के साथ जो गलतफहमी हुई है ना, अब वो गलतफहमी की छोटी सी पौधे वाली जो बीज वाली पौधा था वो बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है, ऐसा वृक्ष, विशालकाय वृक्ष बन चुका है जिससे अब आद्या का भरोसा जुड़ चुका है। भरोसा मतलब ऐसा भरोसा जो अनुपमा के ऊपर वापस कभी नहीं जुड़ सकता, यानी अब आद्या को सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा है, अपने आने वाले फ्यूचर के ऊपर भरोसा है। वो लड़ेगी, कुछ भी करेगी, इस आश्रम में रहने वाले बच्चों को लेकर करेगी, लेकिन वापस अनुपमा के साथ अपने रिश्ते को जोड़ने के लिए अपने आप को फोर्स कभी नहीं करेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़ा अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं, जहां पर दोस्तों अनुपमा द्वारका में पहुंच चुकी है। द्वारका में कदम पड़ते साथ ही मानो अनुपमा को ऐसा लग रहा है कि अंदर से पॉजिटिविटी आ गई हो कि अब उसे उसका खोया हुआ सब कुछ मिल जाएगा। और एक और बहुत बड़ी बात है कि भाई वाकई उसको सब कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं बल्कि कान्हा जी रासलीला रचाने के लिए ऐसे ही फेमस नहीं है भाई। अनुपमा के साथ मशक्कतें होंगी, दिक्कतें होंगी, उतार चढ़ाव आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन एक बात है कि अनुपमा द्वारका से वापस नहीं जा पाएगी। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे बड़ा सच है कि अनुपमा द्वारका आई है लेकिन जाएगी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि कान्हा जी की मर्जी से और द्वारकाधीश की मदद से, यानी कुल मिला के अनुपमा और आद्या का आमना सामना होने को। और ये बहुत दूर नहीं है भाई लम्हा, लीप हुए अभी ऑलमोस्ट 3 से 4-5 एपिसोड्स हुए और इतने में ही अनुपमा और आद्या का आमना सामना हो रहा है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि शो को लीप के बाद इस ट्रैक की कितनी ज़्यादा डिमांड है। और मैं बार बार ये बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अनुपमा के शो में अभी जो करेंट लीप वाला जो ट्रैक चल रहा है इससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। मेरे कुछ व्यूवर्स जिन्होंने कमेंट भी किया है कि हम अनुपमा शो देखना बंद कर चुके हैं, सर आप अपडेट मत डालिए, हम 14 तारीख को ही आखिरी एपिसोड सोचकर अनुपमा के शो को नहीं देख रहे। मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि एक बार प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़, मतलब इतने सालों तक आपने यदि अनुपमा के शो को प्यार दिया तो एक बार देख लीजिए कि अभी टीआरपी या यूँ कहें कि ये लोग ट्रैक लीप के बाद कौन सा नया ट्रैक लेकर आते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए किसी से इतने सालों तक यदि आप प्यार कर रहे जुड़े हुए हैं तो कुछ दिन उसे और मौका दे ही तो दिया जा सकता है। और यही मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, ऐसे में मुझे अनुपमा मेकर से कुछ नहीं मिलने वाला भाई, मुझे कोई प्रमोशन या अनुपमा के शो का कोई मैं ब्रांड मैसेज वगैरह कुछ नहीं हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि हाँ भाई स्टार में देखो तो मुझे वहाँ से कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं एज ए रिव्यू दे रहा हूँ और मैं अपने ओपिनियन बता रहा हूँ कि यदि शो को 4-4.5 सालों तक यदि आपने कंटिन्यू देखा है तभी तो इस शो को
टीआरपी का बॉस बनाया आप लोगों ने, ऐसे में यदि लीव के बाद सडनली छोड़कर चले जाए तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी होगी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इन्होंने आपके इमोशंस की धज्जियाँ उड़ाई है, क्योंकि आप मान को एक साथ देखना चाहते थे, अनुपमा और अनुज की शादी के लिए आपके दिलों के अंदर सपने बुनने हुए थे, लेकिन उन सपनों को तोड़ दिया इन्होंने, चकनाचूर कर दिया, टुकड़ों की तरह बिखेर दिया। मैं मान रहा हूँ, सारी बातों को मान रहा हूँ, लेकिन वापस मान एक होंगे ये अश्योरिटी है भाई। ग्रेट प्यारे भाई, ये अभी ना इंडिया का सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है कि मान कब एक होंगे, और अनुज और अनुपमा को ऐसे एक कर दिया जाए तो भला सब्र का क्या मतलब भाई। प्यार है, प्यार को थोड़ा सा लंबा खींचा जाएगा, जितना ज़्यादा गहरा होते जाएगा समंदर की तरह होता है, जितना ज़्यादा अंदर डूबते जाएंगे उतने सारे विचित्र प्राणी दिखते जाएंगे, और अनुपमा की जिंदगी में, अनुज की जिंदगी में ऐसा ही कुछ होना है। क्योंकि मैं आपको ये जो बता रहा हूँ कि मान एक होंगे, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मान कैसे एक होंगे, क्योंकि अनुज तो है नहीं भाई, अनुज शो में ही है। दरअसल दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है कि अनुज को अंकुश ने डरा धमका कर रखा हुआ है, कैसी जगह रखा हुआ है जहां से अनुज का निकलना इम्पॉसिबल है, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, इसीलिए इतने सालों में अनुज नहीं निकल पा रहा है। और यदि अनुज निकल गया होता तो भाई कहानी तो कुछ और ही होती, या आध्या को यह लगता कि मुझे इन्होंने अलग कर दिया और खुद खुश रह रहे, यानी कुल मिला के भाई मेकर्स ने बहुत अच्छी प्लानिंग ब्लॉटिक करी है भाई। इनकी क्रिएटिव टीम ऐसी नहीं है भाई, शो के टीआरपी में, टीआरपी चार्ट में शो को नंबर वन बना के रखा है, कुछ तो खास बात होगी ना इनके पास। लेकिन सोचने वाली बात है, और एक बहुत बड़ी बात यह है कि यदि इतने सालों में कुछ भी अनुपमा या अनुज के बीच में जो कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, भाई अनुज वापस आएगा तो क्या अनुज अनुपमा को आध्या के बिना जब देखेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों अनुज को थोड़ी थोड़ी कहानी पता है, पूरी कहानी नहीं पता है कि क्या हुआ था उस दिन। आध्या ने फोन किया था, पूरी कहानी बताई थी, लेकिन एक बार आने के बाद हालात को देखकर समझना और फोन में सुनना दोनों में फर्क होता है। और अनुज वापस आया ही नहीं था, उसके पहले उसके साथ अंकुश ने वो कर्मकांड कर दिया था। और यदि अब अनुज वापस आता है और दिखता है कि अनुपमा ने एक बार फिर से आध्या को खो दिया है, तो सोचिए अनुज के दिल पे क्या बीतेगी, क्या फिर से वो अनुपमा से उसी प्यार के रिश्ते को निभा पाएगा जैसा पहले था। बेशक दिल से निभाएगा जैसे वो पागल हो गया था, या यूँ कहें कि जब वो सदमे में था कि आध्या की मौत हो गई है, अंकुश बरखा ने जो उसे झूठी खबर सुनाई थी, या यूँ कहें कि भाई इस बार वो अनुपमा से रिश्ता ही तोड़ लेगा, और अनुपमा को आध्या से ज़्यादा पाने की ललकार से ज़्यादा मुझे लगता है कि अनुज को मनाने में लग जाएगा, ऐसा कुछ एफर्ट लग रहा है। और क्या लगता है आपको कि क्या अनुज के वापस आने के बाद आध्या तो वापस आनी भाई, आध्या के बिना अनुपमा की जिंदगी तो अधूरी आपको पता है, और अनुपमा कुछ भी कर ले, रो लेगी, गिर लेगी, पैर पड़ लेगी, भाई कुछ भी कर ले, वो आध्या को अपना जरूर बना के रहेगी, ये बात सभी को पता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि वापस आने के बाद भी आध्या, अनुज और अनुपमा के बीच में शायद पहले जैसा बॉन्ड मेकर्स किसी भी बेस पर शायद नहीं दिखा सकते, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आपकी क्या ओपिनियन है वीडियो को लेकर, क्या प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए जरूर बताएगा दोस्तों। और आपके पसंदीदा शो अनुपमा जुड़े सारे अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा जुड़े सारे अपडेट को यूं ही बनाकर रखे से भाई पाते रहे। और एक और बात दोस्तों, देखिए अनुज अनुपमा आधे अलग होते रहेंगे, हम अलग नहीं होंगे, आपको हमारे साथ जुड़े रहना, संबंध अपना खराब नहीं करना। यदि हमारा संबंध खराब ना हो तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी संबंध रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है तो भी संबंध रहेगा। आप रेगुलर व्यूअर हैं, आते रहिए, देखते रहिए, कोई बात नहीं। पसंद आता वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यह भी तो प्यार करने का, प्यार दिखाने का एक जरिया ही है। और यदि मन में कोई सवाल हो, उलझन हो, कोई बात हो, कोई प्रतिक्रिया हो, कुछ भी हो, प्यार हो, नफरत हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे आपके सारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं आपका अपना होस्ट यानी वेणु कुमार जल्द ही एक और अनुपमा के शो से जुड़े ताजातरीन और बेहतरीन अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।